आपकी गर्लफ्रेंड एंड वाइफ खुश हो जाएगी। और भाई बस इसे चेंज कर देते तो अच्छा होता, ये इसका मैं नेगेटिव में गिनूंगा। ये आप देख रहे हो, ये देख रहे हो आप, हमारे मम्मी पापा को काफी बुरा लगता है। और ये तार वार दिख रहे, ये बस अच्छा नहीं लग रहा, इसे महिंद्रा थोड़ा चेंज कर देते तो ठीक लगता। हाय गाइस, तो आज मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को मेरी ड्रीम कार। ये सिर्फ मेरी ही ड्रीम कार नहीं है, इनफैक्ट हर बॉयज की, हर यंगस्टर्स की, हर कॉलेज गाय की ये एक ड्रीम कार है, हर कोई इसे लेना चाहता है। अब वही यंगस्टर वाली गाड़ी आपको मिलेगी उससे भी 3-4 लाख रुपए सस्ते प्राइस में, तो सोचो कितना मजा होगा। सो दिस कार इज So this is the front look of this dark beauty. So let's start in our style. तो मतलब सबसे पहले इसका हार्ट हमें देखना होता है, तो हार्ट देखने के लिए हुड खोलना पड़ेगा। अभी आप हुड खुला हुआ है तो देख रहे हो यहाँ पर हैजार्ड जल रहा है। हैजार्ड मतलब जब गाड़ी रुकी हुई होती है तभी हैजार्ड जलाना होता है, ये नहीं कि आप गाड़ी चलते हुए में हैजार्ड जलाओ। सो दिस इज द न्यू इंजन इन महिंद्रा थार, दैट इज द 1.5 लीटर डीजल इंजन। ये CRDE इंजन है, एमोक वाला इंजन इसमें आपको नहीं मिलेगा, ये 1.5 लीटर है। अभी 1.5 लीटर होने के बाद में भी इसे चलाने में कुछ अंडर पावर फील नहीं होता, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ इसमें इंक्लूड पेड प्रमोशन वाला बात है, जो रियल है वही बता रहा हूँ। अभी ये 1.5 लीटर होने के बाद में भी 115 BHP एंड 300 NM ऑफ टॉर्क, मैं डीजल की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल का थोड़ा कम होता है लेकिन उसका BHP थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका प्राइस इतना ड्रॉप होने का मेन रीज़न है, 1.5 लीटर के ऊपर में जो गाड़ियाँ आती है उसके ऊपर आपको कुछ ज़्यादा टैक्स देना होता है, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स देना होता है, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स इसमें आप सेव कर रहे हो। आपको इंडियन टैक्सेशन पता है, उस हिसाब से इसमें टैक्सेशन किया गया है, दैट इज़ वाई थार का 2-3 लाख रुपये प्राइस में कम हो गया है। तो ये तो हो गया इंजन की बात। रियर व्हील ड्राइव है तो इसमें फ्रंट में आपको कोई डिफरेंशियल नहीं मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंशियल पूरा खाली है। शोरूम नॉइस के लिए तो सबसे पहले सॉरी क्या कर सकता हूँ, अभी इसके लिए थोड़ा माफ़ कर देना, जितना हो सके एडिट कर दूंगा। फ्रंट में कुछ इस तरह का आपको बोनेट मिलता है। अब थार की स्टाइलिंग की बात करूँ भाई, तो थार की स्टाइलिंग अलग क्यों है, सब गाड़ियों की फेंडर आपको यहाँ से निकली हुई देखेगी, लेकिन इसका फेंडर आप देखो पूरा फ्लैट है। इस तरह का फेंडर आप किसी भी गाड़ी में नहीं देख रहे होंगे, इसलिए इसका स्टांस सबसे अलग है। सब 4 मीटर सेगमेंट में आने वाली गाड़ी होने के बाद में भी ये कंपटीशन से काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। इनफैक्ट दिस इज द रियल डैडी ऑफ ऑल SUVs। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं नॉर्मल हेलोजन सिंगल लाइट, मतलब प्रोजेक्टर भी इसमें नहीं मिलता है, लेकिन लोग लेते ही इसे काफ़ी सारे DRL में कन्वर्ट करा लेते हैं। और दिस इज द महिंद्रा ग्रिल, जो लोग लेते ही चेंज करा लेते हैं जीप ग्रिल में। इस तरह की आपको बम्पर मिल जाती है, फुली प्लास्टिक बम्पर है। और जो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, इनफैक्ट फॉर्चुनर से भी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, दैट इज़ वाई दिस कार इज़ द रियल हार्डकोर ऑफ रोडर। सामने आप अप्रोच एंगल देख सकते हो, कहीं पर भी ले जाओ कहीं पर भी कुदा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखिए 4x4 जो था वो आप खुद से ही 4x4 इंगेज करते थे, गाड़ी आपको कभी नहीं कहती थी कि 4x4 इंगेज करना पड़ेगा। एकदम एक्सट्रीम हार्डकोर जब ऑफ रोड आप करते थे तभी 4x4 लगाने की ज़रूरत पड़ती थी। सो महिंद्रा ने ध्यान लगाया, 4x4 तो काम आ नहीं रहा है, लेकिन जो ट्रू कार एंथुजियास्ट होंगे वही लेंगे। तो उन्होंने 1.5 लीटर का ये इंजन लॉन्च कर दिया, जिसमें टैक्सेशन में काफ़ी राहत मिल गई और अब हर जगह थार जा सकती है, मतलब घर में। यहाँ पर आपको मिल जाता है इंडिकेटर, इंडिकेटर विथ DRL आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ऐसी कुछ इसकी रूफ लाइनिंग मिलती है, कुछ इस तरह की साइड फेसिंग लुक मिल जाती है। 4 मीटर की गाड़ी है, लेकिन कहीं से भी देख के लगता नहीं है कि 4 मीटर की अंदर में आने वाली गाड़ी है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है फेंडर पर इंडिकेटर, ये फेंडर पर इंडिकेटर थार में देखने में अच्छा लगता है। व्हील्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा 225/65 R18 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे। ये इसका टॉप वेरिएंट है LX, दैट इज़ वाई यू गॉट अलॉय व्हील्स। सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, मैं सब 4 मीटर वाली की बात कर रहा हूँ, उससे ऊपर में जाओगे काफ़ी महंगी गाड़ियों में आपको 18 इंच के व्हील्स मिलते हैं, लेकिन थार आपको इतने
कम प्राइस में ही विथ दे रही है। साइड में कुछ इस तरह का आपको लुक मिल जाता है। टू डोर थार है, अभी फोर डोर थार जल्दी आने वाली है, उसका इंतजार हमें रहेगा। और भाई लिटरली दिस इज माई ड्रीम कार, एंड थार की बैजिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। दिस इज द ड्रीम बैजिंग, नॉट थार बैजिंग। यहाँ पर आपको थार बैजिंग, कितने सारे थार की बैजिंग आपको मिलती है, गिनते रहना। यहाँ पर फुट स्टेप जिसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, गाड़ी में आप ऐसे चढ़ ही नहीं पाओगे। यहाँ पर आपको मिल जाता है नॉर्मल हैंडल, यहाँ पर आपको मिल जाता है हार्ड टॉप। अभी गाड़ी लो तो हार्ड टॉप वाला लो, हार्ड टॉप देखने में इसका काफ़ी कूल लगता है। और यहाँ पर आपको बड़ा सा ग्लास एरिया मिल जाता है जिससे आपको क्लास्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। और यहाँ पर आपको मिल जाता है पीछे का कुछ लुक, पीछे से आप देख सकते हो, पीछे में आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, जो स्पेयर व्हील इसका सिग्नेचर है। न्यू महिंद्रा का लोगो, सिल्वर से फिनिश में, सिल्वर में आपको एलो व्हील्स मिल जाएंगे। यहाँ पर दो रियर पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं, यहाँ पर लाइसेंस प्लेट की लाइट, और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं डिफरेंशियल आपको लगा हुआ मिल जाएगा क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है। यहाँ पर आपको मिल जाता है रिफ्लेक्टर, टेल लैम्प, नॉर्मल हैलोजन ही है। यहाँ पर आपको LED की सराउंडिंग मिलती है, और इस साइड में आपको कुछ इस तरह का लुक मिलेगा। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्यूल फिलर कैप, आपको खोल के भी दिखाता हूँ। और ये आपको मिलता है इसका डीजल टैंक, डीजल के साथ में आपको यहाँ पर DEF भी मिलता है। अभी आप भाई कहोगे ये 1.5 लीटर इंजन होने के बाद में भी इसमें DEF क्यों डालना पड़ेगा, तो देखिए भाई कुछ ऐसा बात है, अभी BS6 फेज 2 आने के बाद में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है डीजल गाड़ियों को चलाना, इसलिए यहाँ पर आपको DEF डालना होगा, जो एक थोड़ा दुख की बात भी है हम लोगों के लिए, बस एनवायरमेंट के लिए अच्छा है। और भाई बस इसे चेंज कर देते तो अच्छा होता, कोई एक लीवर उबर दे देते, क्योंकि बार बार किसी को चाबी देना वो अच्छा नहीं लगता है। ये इसका मैं नेगेटिव में गिनूंगा। अगर दोस्तों डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशन कितना है आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, और प्राइसिंग कितनी है, प्राइसिंग भी आपको शो हो रही होगी। तो इंटीरियर में जाने से पहले आपको कुछ इस तरह की मिलेगी जो टिपिकल महिंद्रा की होती है। यहाँ पर आपको लॉक, अनलॉक, स्टार, मतलब इसे दबाओगे तो आप गाड़ी पार्किंग से ढूंढ सकते हो, इसे आप गाड़ी पार्किंग से ढूंढ सकते हो। और जैसे ही आप गाड़ी अनलॉक करोगे DRL ऑन हो जाएगा। तो अभी चलिए इंटीरियर में जाते हैं, फ्लिप की है। कुछ इस तरह का आपको डोर मिलेगा, सिंपल एंड सोबर हार्डकोर डोर है जिसे आप बाहर निकाल के ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो, जो महिंद्रा ने लॉन्च इवेंट पर भी अपना कहा था। RPM एडजस्ट करने का बटन, यहाँ पर 1 लीटर बॉटल होल्डर, कुछ स्पेस, और दैट इज इनफ। मतलब थार के लिए कुछ इतना मॉडर्न फीचर देने की जरूरत नहीं है, बस इसे हार्डकोर गाड़ी है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है एक फुट स्टैप जिसे आप पकड़ के ऊपर उठोगे, बिना फुट स्टैप के आप ऊपर उठ ही नहीं सकते हो बिकॉज ऑफ हाई ग्राउंड क्लियरेंस। एडजस्टेबल सीट, आपको हाइट एडजस्टेबल भी मिलेगा, और यहाँ पर रिक्लाइन तो मिलता ही ऑब्वियसली। यहाँ पर लिटरली आपको बैठ के किंग वाली फीलिंग आएगी, जो आपको बिग डैडी में फीलिंग आती है सेम इसमें भी आएगी, क्योंकि आप रोड प्रेजेंस देख रहे हो गाड़ी का। यहाँ पर आप लिटरली बैठ के पूरा अंदर का बाहर का देख सकते हो, गाड़ी के बाहर क्या है कहाँ नहीं है, पूरा एजेस आपको अच्छे से दिख रहे हैं। आपको मिल जाते हैं बड़े बड़े ORVMs, एंड ORVMs को आप एडजस्ट भी कर सकते हो। ये थार पुरानी वाली नहीं रही, देख रहे हो थार में आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप ORVM एडजस्ट होते हुए देख सकते हो, फोल्डेबल नहीं मिलता है भाई। और यहाँ पर आपको मिल जाता है AC वेंट्स, जिसे लोग लेते हैं G-Wagon स्टाइल में करवा लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर नीचे बात करें तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑटो स्टार्ट स्टॉप, यहाँ पर MID के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको कुछ सेट वेट करना हो उसके लिए, और यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर, और स्टेयरिंग में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं हेडलाइट्स एंड इंडिकेटर्स के कंट्रोल, ऑटोमेटिक नहीं है। यहाँ पर आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, ये भी ऑटोमेटिक आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है नया क्यूट सा बटरफ्लाई डिजाइन, महिंद्रा का लोगो। यहाँ पर आपको दोस्तों मिल जाता है इंफोटेनमेंट के कंट्रोल, और यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल। थार में देख रहे हो भाई, क्रूज कंट्रोल मिलता है, जो देख के भाई काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर आपको मिल जाता है ऊपर में सनवाइजर आप देख सकते हो, छोटा मोटा दिया गया है। तो एक और सनवाइजर, इस सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, जिससे आपकी गर्लफ्रेंड एंड वाइफ खुश हो जाएगी। इसको आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिक नहीं कर सकते हो। कुछ इस तरह का आपको दोस्तों मिलता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको दिखाएगा RPM 7000 RPM, यहाँ पर आपको मिल जाता है 180 किलोमीटर स्पीड, और यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ MID, जैसे कि मैंने बताया चेंज वेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको रेंज वेंज दिखा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम, यहाँ पर एवरेज, ये सब दिखा रहा है। सिंपल एंड सोबर है, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स इसमें नहीं दिए गए हैं, थार को रफ एंड टफ बनाना चाहिए भाई। और दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है काफ़ी चंकी मंकी सा दिखने वाला इसका इंफोटेनमेंट आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको 7-8 इंच का मिलता है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं मिलता है, महिंद्रा का ही है, और इसमें आप एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं बटन्स, जो बटन देखो भाई काफ़ी अच्छा किया,
डिजिटल कंट्रोल मुझे पर्सनली उतने भी अच्छा पसंद नहीं है, या अगर आपको एनालॉग मिल जाए तो मजा आता है। यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाता है एसी वेंट, एंड दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है कार्बन फाइबर सॉर्ट ऑफ लुक मिलता है, कार्बन फाइबर नहीं है। यहाँ पर आपको एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर देखिए आपको एयरबैग के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पर सीट बेल्ट की कंट्रोल, यहाँ पर हैजार्ड लैंप के कंट्रोल, और यहाँ पर ट्रैक्शनल कंट्रोल, और यहाँ पर हिल डिसेंट कंट्रोल, एंड यहाँ पर विंडो लॉक करने के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। देखिए थार में भाई सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं, और जैसे कि आप लोगों को पता है ग्लोबल एंड कैबिन से 4 स्टार भी मिले हैं, मतलब सेफ्टी की तो भाई कोई चिंता ही नहीं है, और सेफ्टी फीचर्स आपके स्क्रीन पर तो शो हो ही रहा होगा। और इस तरह में आपको मिल जाता है चंकी मंकी से ग्रैब हैंडल, यहाँ पर आपको एसी वेंट मिल जाता है फिर से, और ये सबसे अच्छी बात है थार का यहाँ पर आपको मिल जाता है सीरियल नंबर की बैजिंग वेजिंग आपको मिल जाती है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। इसे देख के भाई पूरा इंडियन वाली अपनी फीलिंग आती है। यहाँ पर थार वार की बैजिंग मिल जाएगी, ये आप देख रहे हो, ये देख रहे हो आप, इतना छोटे छोटे डिटेलिंग पर थार में काम किया गया है भाई, जिसे देख के बिल्कुल लगता है कि हाँ आप महिंद्रा थार में बैठे हो। यहाँ पर आप सीट वेट देख सकते हो, सीट किस तरह की, सीट काफी कुशनी है एंड बैठ के काफी मजा आता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है ग्रैब हैंडल, और इसका सीट इतना कुशनी बनाने का एक रीजन ये भी है क्योंकि इसमें जब आप ऑफ रोडिंग करोगे तो ऑफ रोडिंग करते हो ज्यादा आप हिलो डुलो ना, इसलिए इसको सीट को इतना अच्छा बनाया गया है। डीजल में आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको पेट्रोल में ही मिलेगा। ये आप देख सकते हो मैनुअल ट्रांसमिशन, जो भाई चला के काफी मजा आता है। और जो इसमें आपको नहीं मिलता है वो है और एक गियर लीवर, जो आपको यहाँ पर पहले मिलता था 4x4 के गियर लीवर, अभी वो नहीं दिया गया है, उसका ऑप्शन भी वहाँ पर आपके पास में सामने खड़ा है, वो आप ले सकते हो अगर आपको 4x4 चाहिए। 2 पावर विंडो के कंट्रोल, यहाँ पर आपको पावर विंडो के कंट्रोल नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा, देख लो जैसे मैंने इसे दबाया चालू बंद हो जाएगी, और ऑटो अप डाउन नहीं मिलेगा, यहाँ पर कुछ फिनिश मिल जाती है। यहाँ पर अभी आप फोन वोन रख सकते हो अपना, एक अच्छा स्पेस यहाँ पर बन गया है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, कप होल्डर में आपको पैडिंग मिल जाती है, और यहाँ पर क्रोम सराउंडिंग मिल जाती है जो भाई काफी प्रीमियम लगता है। मैनुअल हैंड ब्रेक मिलेगा, आपको कोई आमरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन आप डीलर से ले सकते हो। म्यूजिक टेस्ट तो करना बनता है क्योंकि भाई थार में बैठो और सिद्धू मूसेवाला का गाना ना बजाओ तो ऐसा इम्पॉसिबल। तो चलो अभी एक थार वाला गाना बजाते हैं, अभी देखो आप लोगों के लिए कॉपीराइट वाला गाना मैं बजा रहा हूँ, तो इतना के लिए कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। म्यूजिक टेस्ट तो हमने कर लिया, अभी इसका रियर कैबिन जाके चेक करते हैं, जो हमारे मम्मी पापा को काफी बुरा लगता है। कोई बात नहीं, महिंद्रा उसका भी इलाज लेके आ रही है। इस साइड से आप नहीं जा सकते हो पीछे, आपको इसी साइड से जाना होगा, को ड्राइवर वाले साइड से। यहाँ पर आपको मिल जाता है एंटीना थार का, यहाँ पर आप जैसे इस लीवर को उठाओगे सीट आगे आ जाएगी, मतलब ऑटोमेटिक तो नहीं आती भाई, मैनुअली आएगी, और यहाँ पर आप फुट रख के चढ़ सकते हो। तो अभी ये सीट मैंने पूरा पीछे करके रखा है और इसे थोड़ा रिक्लाइन भी करके रखा है, अगर फिर भी स्पेस की बात करूँ तो स्पेस एकदम थोड़ा सा बचा हुआ है। अब ऐसा भी नहीं है कि इसमें आप बैठ ही नहीं सकते हो, बैठ सकते हो, उतना भी कुछ आपको खास प्रॉब्लम नहीं होगा, सीट्स आर कंफर्टेबल। फिर भी अगर 2 लोग बैठे तो 2 लोगों का बैठना कंफर्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर एक आपको अच्छा खासा हम्प मिलता है, और बीच वाला सीट आपको कंफर्टेबल भी नहीं मिलेगा, काफ़ी बिग आपको ग्लास एरिया मिल जाएगा जिससे आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा, और कुछ ओवरऑल इस तरह का आपको इसका इंटीरियर मिलता है, इंटीरियर आप देख सकते हो। और सिर्फ भाइयों आगे वाले पैसेंजर्स को ही नहीं, पीछे वाले पैसेंजर्स को भी बैठ के इसमें किंग वाली फीलिंग तो आएगी ही आएगी पक्का। तो दोस्तों ये तो हो गई इसके पीछे की सीट की बात, अभी चलते हैं हम इसका बूट देख लेते हैं। सीट खोलने के लिए फिर से आपको इस बटन को उठाना होगा, सीट आगे चली गई, देखिए चली गई, अभी हम फिर से उतर सकते हैं इस साइड से। बोर्ड खोलने के लिए आपको इस तरह इसका डोर खोलना होगा, जिसमें ये काफ़ी चंकी मंकी ऑल टेरेन टायर्स रखे गए हैं, ये काफ़ी अच्छा किया महिंद्रा ने, इसमें ऑल टेरेन टायर दिए हैं। और यहाँ पर आपको रियर ग्लास में डिफॉगर मिल जाता है, वाइपर नहीं मिलेगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप अंदर में मिलता है, और कुछ इस तरह का आपको मिलता है इसका बूट स्पेस। बूट स्पेस कुछ ज़्यादा तो नहीं है भाई, क्योंकि थार एक टोड़े वाली गाड़ी है, आप इसे प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा मत उतारिए। और ये तार वार दिख रही है, ये बस अच्छा नहीं लग रहा, इसे महिंद्रा थोड़ा चेंज कर देते तो ठीक लगता। तो अभी करते हैं इसको क्लोज, तो दोस्तों यही था महिंद्रा थार का वीडियो, दिस इज माई ड्रीम कार, और आशा है अगले साल तक खरीद लो भाइयों। बाकी दोस्तों यही था महिंद्रा थार के बारे में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया इसमें अब आपको 4x4 वाला गियर लीवर नहीं मिलता है,
तो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी ये तो प्रैक्टिकल उतना नहीं है भाई, लेकिन जो इसे लेता है वो कोई भी चीज़ नहीं देखता है, उसे सिर्फ चाहिए गाड़ी में रुतबा एंड टोरा, जो थार के अलावा और कोई गाड़ी दे ही नहीं सकती। और जो ये प्राइस में आ रही है, उस प्राइस में तो काफ़ी सारी गाड़ियों की इसने बैंड बजा रखी है, क्योंकि सब 4 मीटर वाली गाड़ी में आप देख रहे हो आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, इतनी अच्छी लुक्स मिल रही है, इतना अच्छा प्रेजेंस मिल रहा है। ये 4 मीटर की गाड़ी होने के बाद में भी इसमें आप देख सकते हो बिल्कुल कहीं से भी आपको ये छोटी गाड़ी नहीं लगती। थार इज द क्रश ऑफ एवरी बॉय इवन गर्ल्स ऑल्सो, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो गाड़ी कैसी लगी कमेंट करके बताना, मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताना, और मुझे अच्छे से पता है आप लोगों ने थार 4x2 देख लिया होगा, लेकिन ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना, पॉजिटिविटी एंड निगेटिविटी दोनों लिख देना। और भाई इतना देखा है, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तब तक के लिए धन्यवाद। गाड़ी हाई बीम पर कम चलाइए और सीट बेल्ट पहनिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change.